टू इज डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो मेन टाइप्स है वो करेंगे हम टू। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकेंड पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या किया जाता है, एलिमिनेट आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें पढ़ेंगे हम, एक जनरल सॉल्यूशन, एंड सेकेंड इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, ये चीजें आप इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आता है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके पास मैक्सिमम टू आते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे आपको कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको उस इक्वेशन में नहीं दिखना चाहिए जब आप उसे एलिमिनेट करेंगे। और सॉल्यूशन में पहले हम करेंगे जनरल सॉल्यूशन जिसमें क्वेश्चन को हमने इंटीग्रेट करके सी तक छोड़ना होता है, और सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सी की वैल्यू भी निकालते हैं। वहां पे कंडीशन दी होती है कि इफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस, उन वैल्यूज को पुट करके जो सी की वैल्यू आती है उसे दोबारा से उसी इक्वेशन में पुट करके जो आंसर आता है उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन EFS। तो इसमें ध्यान में ये रखना आपको कि आपके पास जो फंक्शन दिया होगा या जो भी कर्व दे रखी होगी उसमें जितने कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं उतने टाइम आप उसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ कर्व बाय फॉर्मिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ए एंड बी आर बीइंग पैरामीटर्स, और इसे ऐसे भी बोला जाता है एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स अपॉन ए। फर्स्ट क्वेश्चन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें चेक करेंगे आपकी आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी कितने हैं, टू। तो इस इक्वेशन को ये जो दे रखी है आपके पास, या कर्व बोल सकते हैं इसे, फंक्शन बोल सकते हैं, तो ये जो दे रखा है कर्व इसमें आपके पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है गिवन इक्वेशन में। ठीक है, तो इसे टू टाइम आपने डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस वन अपॉन बी कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ वाई डी वाई अपॉन एक्स और इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, बट सबसे पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसे, ये मतलब वन अपॉन बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए। नेक्स्ट स्टेप डीवाई अपॉन
dx is equal to b को इससे देंगे माइनस b अपॉन a। अब इसे फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, जब इसे हमने सेपरेट कर दिया, कॉन्स्टेंट को अलग कर दिया और इसके जो डेरिवेटिव था उसे अलग कर दिया। यहां पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया और साथ में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट भी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो लास्ट में आप लिखोगे विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि आपने फंक्शन को उतने ही टाइम, इक्वेशन को उतने ही टाइम डिफरेंशिएट करना है जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दिए होंगे। सेकेंड पार्ट है इसका, y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये इक्वेशन। तो यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहां a और b टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब इक्वेशन को आपने दो बार डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे वो देख रहे हैं आपने ध्यान से, ये लिख दिया डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई मतलब पावर को आगे लाए, पावर में से एक माइनस किया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ वेज दैट इज डी बाय अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव जाएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो और x के का 2x, ये बन गया। ओके, अब थोड़े से इसे सॉल्व कर लेंगे जितना होता है। तो ये बना 2 by dy upon dx is equal to minus 2ax, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आपके पास आई उसे लिख लेंगे। ये बना आपके पास y into dy upon dx, y into dy upon dx is equal to minus ax, ये वैल्यू आ गई। और ये कौन सी वैल्यू आ रही आपके पास, जब आपने 2 से 2 कैंसिल कर दिया और बाकी जो बचा वो वैल्यू। फिर इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे प्रोडक्ट में लगेगा y फर्स्ट फंक्शन है और dy upon dx सेकेंड फंक्शन है। तो ये बना फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट that is dy upon dx by product rule left side or right side is equal to minus a into derivative of x that is equals to 1। ठीक है, next step y d square by upon dx square plus dy upon dx whole square or is equal to यहां पे बचा माइनस ए, हम एक बार डेरिवेटिव और नहीं कर सकते तो इसकी वैल्यू निकाले ऊपर जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज माइनस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये बन गया डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, इस एक्स को यहां डिनोमिनेटर मिलेगी। तो वाई वन इसे इक्वेशन वन कर देंगे और इसकी वैल्यू क्या आ गई, y upon x dy upon dx सामने लिखेंगे by 1। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, अगर आप इस x को यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो सकता है, मतलब ये बना x y d square by upon dx square plus x dy upon dx
होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आ गई। तो लास्ट में लिखेंगे विच इज अ रिक्वायर, विच इज अ रिक्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट इज, इसका एक पार्ट और करवाता हूं मैं अभी, क्वेश्चन नंबर थ्री और थर्ड क्वेश्चन आपके पास, y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर थ्री एक्स, ए रेज टू पावर थ्री एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस थ्री एक्स, ये केवल इक्वेशन में रखिए। अब इसमें चेक करेंगे तो यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो आए वो कितने आए, टू, फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी। तो जब इसे इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट करोगे तो इसे टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो कितने हैं, टू। तो यहां लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 3x, मतलब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही रहता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज 3 प्लस b e रेज टू पावर माइनस 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर माइनस 3, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही रहेगा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ पावर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल के केस में ध्यान में रखना कि एक बार डेरिवेटिव करने के बाद एक वैल्यू को आप चेंज कर देंगे, कैसे करोगे, यहां से लिख रहा हूं मैं वाई माइनस ए रेस टू पावर थ्री एक्स इज इक्वल टू बी ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स, इसकी वैल्यू आ गई b e raise to power minus 3x, यहां अप्लाई कर दूंगा मैं dy upon dx is equal to a e raise to power 3x और ये 3 आगे लिख दिया प्लस माइनस माइनस 3 और इस सारे की वैल्यू वो ऊपर दे रखी है, मतलब इसकी वैल्यू बन गई इनटू में y माइनस a e raise to power 3x और साथ में लिखेंगे y 1। अब इसे सॉल्व कर दोगे, सॉल्व कैसे होगा, ये बना डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू थ्री ए रेस टू पावर थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस माइनस प्लस थ्री ए रेस टू पावर थ्री एक्स। नेक्स्ट स्टेप में डी वाई अपॉन डी एक्स इसे ले आए प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 a e रेस टू पावर 3x और इसे कर दिया इक्वेशन 2। आगे फिर से डिफरेंशिएट, आगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों डेरिवेटिव किया, क्योंकि इसे मैंने सॉल्व कर दिया और साथ में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, इसका मतलब इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता। अब नेक्स्ट स्टेप, यहां पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां फर्स्ट, मतलब ये बना डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ वाई डी बाय अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बनता है 6 ए कांस्टेंट है ई रेस टू पावर 3 एक्स का डेरिवेटिव 6 ए कांस्टेंट है 6 a कांस्टेंट e रेस टू पावर 3x का डेरिवेटिव e रेस टू पावर 3x इनटू 3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर आता है। तो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ गई d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3, 3 को पहले लिख दिया और बाय क्वेश्चन 2 6 a e रेस टू पावर 3x की वैल्यू ये बनेगी dy अपॉन dx प्लस 3y dy
अपॉन डी एक्स प्लस थ्री वाई, सामने लिखेंगे वाई इक्वेशन टू। सॉल्व करो, आंसर आ गया। क्या आंसर बनेगा? कंप्लीट ये बना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू थ्री डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस थ्री थ्री जा नाइन वाई, ये सेम साइन ऑपोजिट साइन कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आपके पास बना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इस साइड जाके माइनस हो गया नाइन वाई इज इक्वल टू जीरो, और ही विच इज और रिक्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये और रिक्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, ध्यान से देख रहे हैं आपने और क्वेश्चन भी सुनते रहे। क्वेश्चन नंबर फोर, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिलीज ऑफ पैराबोला, पैराबोला की फैमिली है, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब ये पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बन है, ये पैराबोला है वाई y डैश x x डैश। तो ये क्या कौन सा पैराबोला हुआ जिसके वर्टेक्स ओरिजिन पे आ गए, दैट इज 0, 0 और अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, कौन सा पैराबोला हुआ? अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो इसमें एक लाइन यूज कर देंगे, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड along with positive direction of positive direction of y axis is, क्या इक्वेशन का है? x square is equal to 4ay। पैराबोला हमारे पास टोटल आते हैं 4, तो चार के चार पैराबोला में आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपने इक्वेशन लिखी 4a की वैल्यू निकालो, क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंशियल सिंगल टाइम करना है, यहां आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, तो ये बनेगा दिस इंप्लाइज x स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू 4a एंड गिव इक्वेशन 1। सबसे पहले आपने 4a माइनस 4a इन दोनों की वैल्यू निकाल देनी है, पैराबोला अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो राइट हैंडेड हो लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, सभी में माइनस 4a या 4a की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद आपने इसे डिफरेंशिएट करना, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट हमें सिंगल टाइम ही करना है, और सिंगल टाइम इसलिए करना है क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास एक ही, इसलिए। तो ये बन गया 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ठीक है। फिर 4a की वैल्यू इक्वेशन 1 में निकाली है, तो ये बना 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन y इनटू dy अपॉन dx, और सामने लिखेंगे y 1, 1 से ये वैल्यू यूज करते हैं। अब यहां x से ये पावर कैंसिल और ये y इधर आ गया, तो ये बना 2y इज इक्वल टू dy अपॉन dx, और में से क्या लिख सकते हैं, और में dy अपॉन डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और ये आंसर है विच इज रिक्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पता लग गया। हर एक पैराबोला की इक्वेशन, जब भी आपके पास कोई भी पैराबोला दिया है उसकी इक्वेशन आती है, उसे लिखने के बाद
मैंने बोला 4a या माइनस 4a की वैल्यू निकाल देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद उस वैल्यू को अप्लाई कर देंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन बायएक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। अब कैसा दिया है कि फोकाई जो है वाई एक्सिस पे है एलिप्स, लेकिन उसका फोकाई वाई एक्सिस पे, मतलब ऐसे ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ऐसे एलिप्स आएगा। ठीक है, मतलब अलोंग वाई एक्सिस इसके फोकाई जो है वो y एक्सिस पे f1 और ये f2, ठीक है, और ये ओरिजिन सेंटर पे ले लो गया। तो इसकी क्वेश्चन आपके पास आती है लॉन्ग y एक्सिस की, यहां पे लिख रहा हूं मैं x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कॉमा a इज ग्रेटर देन b। ठीक, कौन सी क्वेश्चन बोली मैंने अलोंग बाय एक्सिस, तो यहां पे लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन बाय एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन इज, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई on y-axis and center at origin is, क्या इक्वेशन वो लिखी मैंने अभी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंप्लीट इक्वेशन। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन यहां पे डेरिवेटिव है dy / dx ना लेके क्या लिखूंगा डैश, ध्यान से लिखना इसे। तो यहां पे लिख दिया मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां दो बार इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहां पे टू है, तो ये 1 / b² कांस्टेंट और x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 / a स्क्वायर कांस्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आएगा 2 / इनटू y डैश, यहां डैश लिखा है, y डैश का मतलब dy / dx और इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट स्टेप ये बना 2 / y डैश / a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x upon b square, 2 से 2 cancel। अब इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे और x को नीचे ले जाएंगे, मतलब ये बना y y dash upon x is equal to minus a square upon b square। अब इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर आ गया, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दिया, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये बना ddx ऑफ y y डैश अपॉन x और इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशेंट रूल, और क्वोशेंट रूल कैसे आता है डिनोमिनेटर्स पे, चेक कर लो मैंने एक बार, ठीक है, डिनोमिनेटर और फर्स्ट भी से लेते हैं फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वाई वाई डैश माइनस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज एक्स और इज इक्वल टू 0, इसे इधर ले जाएंगे 0 बन जाएगा।
ये बना x यहां पे प्रोडक्ट टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डबल डैश प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज y डैश प्रोडक्ट टू लगा यहां पे आगे माइनस y y डैश डेरिवेटिव ऑफ x 1 और इक्वल्स टू 0 थोड़ा सा सॉल्व करो और आंसर ये बना x y y डबल डैश प्लस x y डैश स्क्वायर माइनस y y डैश इज इक्वल टू 0 और ये विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहां पे मैंने एलिप्स के बारे में क्वेश्चन करवाया आपको सेकेंड एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस वो चाहे हाइपरबोला हो वो ये सेम टू सेम क्वेश्चन चलेंगे इसके थोड़े साइज में चेंज आएगा अदरवाइज ये सेम टू सेम हाइपरबोला और एलिप्स के लिए चलता है एलिप्स के लिए क्वेश्चन बता दिया मैंने अब नेक्स्ट जो आपने करना है वो हाइपरबोला और एक सेकेंड एलिप्स बचता है सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे ठीक है नेक्स्ट इज टाइप टू में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके बारे में बताऊंगा मैं ठीक है और एक क्वेश्चन और बता देता हूं पहले इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 था अब क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं आपको इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ये बताना है कि एक आपके पास फंक्शन दे रखा है एक कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है क्या वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं तो यहां पे मैं लिख रहा हूं गिवन फंक्शन फंक्शन था आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी एंड गिवन इक्वेशन साथ में दे रखी है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास y डैश माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 ठीक है अब ये कारण कि क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है या नहीं ठीक है तो इसके लिए आप लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 1 की दोनों साइड को आपने डिफरेंशिएट करना है तो ये वाला y डैश इज इक्वल टू 2 x x के डेरिवेटिव 2 x प्लस एक 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 2 और कॉन्स्टेंट का 0 तो दिस इंप्लाइज में आपके पास बना y डैश माइनस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेफ्ट साइड में लिखा है क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हाँ विच इज रिक्वायर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके इक्वल आगे तो हम ये लिखेंगे कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है तो यहां पे लिखना देयरफॉर गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आगे ये प्रूव कर दिया तो जो फंक्शन आपके पास दिया होगा उसको आपने किसके इक्वल प्रूव कर देना है कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल और अगर इसके इक्वल इसका डेरिवेटिव आ गया इट मींस ये इसका आंसर होगा अदरवाइज नहीं तो इसका एक पार्ट और करवा दूं मैं आपको दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 गिवन फंक्शन और फंक्शन है आपके पास x प्लस y इज इक्वल टू tan इनवर्स y x
plus y is equal to 10 inverse y and give question 1. साथ में and corresponding differential equation दे रखी है, that is equals to y square y dash plus y square plus 1. y square y dash plus y square plus 1 is equal to 0. y square y dash plus y square plus 1 is equal to 0. अब मैं इसे डिफरेंशिएट करने वाला हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि इसे एक बार ही डेरिवेटिव करना है, इसका दो बार नहीं कर सकते. तो यहां पे लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x. ये बना x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का y डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स y, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ y y डैश. याद है, फिर से बोल रहा हूं, x का डेरिवेटिव 1 y का y डैश और tan इनवर्स y का 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इनटू y डैश. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, इधर ले आएंगे, ये बना 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू वाई डैश. ये बना 1 प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, ठीक है, और इक्वल्स टू इसको भी लेफ्ट साइड में अच्छा रहेंगे y डैश, ठीक है. इससे ये कैंसिल, आपके पास जो बचा वो बना y स्क्वायर y डैश यहां से प्लस y स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 व्हिच इज रिक्वायर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. आगे और जैसे आगे लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन या कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है. तो ये फॉर्मेशन के क्वेश्चन थे जिनको मैंने बता दिया. अब नेक्स्ट आपके पास रहेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास सॉल्यूशन आते हैं टू टाइप से और इसे सॉल्व करने के मेथड है थ्री. सॉल्यूशन कितने टाइप के बताए मैंने, पहले भी बताए थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. कौन कौन से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है. और इन्हें सॉल्व करने के, इन सॉल्यूशन को सॉल्व करने के मेथड्स जो है वो थ्री है, देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. कौन कौन से, यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट इज यहां सेकेंड और ये थर्ड. फर्स्ट आएगा वेरिएबल सेपरेबल मैथड, सेकेंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन,
होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड आपके पास आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थ्री मेथड्स है, पता लग गया। तो मैंने इसको बोला कि सॉल्यूशन आपके टू टाइप्स में आएंगे, जनरल एंड पर्टिकुलर, और उसे सॉल्व करने के मेथड कितने रहेंगे, सॉल्व करने के मेथड जो है वो थ्री रहेंगे। थ्री, फर्स्ट इज वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड थर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो हम करेंगे दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। फर्स्ट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यहां पे करता हूं मैं आपको। फर्स्ट है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स को अलग अलग करना होता है, ठीक है। वेरिएबल को अलग अलग कर दिया, फिर उसे इंटीग्रेट कर दिया और आंसर। तो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लास्ट में करवाऊंगा सभी के मिक्स। तो पहले मैं इसके मेथड्स के बारे में बता दूं एक क्वेश्चन में। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे दिया होगा, या फिर ऐसे लिखा होगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ये वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल में यहां पे आपके पास आया डी वाई इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेबल है, लेफ्ट साइड में वाई बचा और राइट साइड में एक्स की टर्म था, जैसे वेरिएबल को सेपरेट कर दिया आपने, आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। यहां पे फॉर्मूला बन रहे हैं टू, तो उन्हें लिख देंगे आप। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास बना टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स। फॉर्मूला कौन कौन सा अप्लाई हुआ वो यहां पे कॉस में लिख रहा हूं। फर्स्ट इज वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, सेकेंड वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब यहां टू से टू कैंसल, तो ये बना साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन बनी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अब इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन टेन स्क्वायर में कभी भी इंटीग्रेट नहीं होता है, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करोगे, इसमें आपने आइडेंटिटी यूज करनी है। ये बना आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन, आइडेंटिटी यूज कर दी मैंने, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू पाई, पाई आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन टेन थीटा, तो ये बना टेन एक्स अपॉन टू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वन अपॉन टू माइनस वन की इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट। सॉल्व करके बना वाई इज इक्वल टू इसे क्रॉस सॉरी मल्टीप्लीकेशन में लिखा ट्वाइस ऑफ टेन एक्स अपॉन टू, इसका वैसे दो मल्टीप्लाई वन अपॉन टू का टू अपॉन वन
y is x or plus c. A answer. Which is required? Which is required? General solution of given differential equation. The answer is differential equation by general solution. Okay? Variable separable method से इसमें क्वेश्चन टू करता हूं मैं, बता रहा हूं आपको कि कैसे किया जाता है. तो सेकंड है क्वेश्चन नंबर टू, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो. ये क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैंने आपको बोला इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज किया जाता है, मतलब वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है. तो उसके लिए ये लिखिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स. माइनस से माइनस कैंसिल. अब वेरिएबल को सेपरेट कर दो, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, जैसे वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब हो चुके हैं वाई की टर्म अलग है, एक्स की टर्म अलग है, तो आप लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट. नाउ इंटीग्रेटिंग कैसे करोगे इंटीग्रेट, ये बन गया डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन को लिख दिया वन स्क्वायर. फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसलिए, और यहां बना डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां भी प्लस वन स्क्वायर. फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स का, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है विदाउट रूल. तो ये बनता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स, यहां वाई वाई अपॉन ए, और यहां पे वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए. ठीक है, और आगे आएगा प्लस सी. तो फाइनल आंसर बना टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी. ये आंसर विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये थे वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स. सेकंड इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स. डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स. तो क्वेश्चन में कोई ऐसा आएगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन का, या फिर वेरिएबल सेपरेबल से करो, या फिर थर्ड था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व. तो यहां पे होमोजेनियस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो वेरिएबल्स है इन सभी की पावर सेम रहेगी, जैसे एक्स की पावर वन है वाई की पावर वन है एक्स की पावर वन है, या एक्स और वाई मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो उनकी पावर को प्लस करके काउंट करेंगे. ठीक है, हर एक वेरिएबल की पावर मतलब सेम टू सेम रहेगी, अगर टू है तो सभी की टू, थ्री है तो सभी की थ्री. तो ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से करने. तो ये बना डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर को अलग कर दो एक्स अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन एक्स एंड गिव इक्वेशन वन.
जैसे ही इस फॉर्म में आ जाए तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। कैसे? यहां पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज, यहां रीजन दे देंगे, बिकॉज राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन इज इन द फॉर्म ऑफ वाई अपॉन एक्स, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वेशन वन की किस फॉर्म में? वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में। और जैसे ये बन जाए आपने यहां पे पुट कर देने से इसे पुट y upon x is equal to v या फिर y is equal to vx, इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड में dy upon dx और यहां पर रख दो, तो ये बना dy upon dx और यहां पर रख दो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन हो गया प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव dy / dx, राइट साइड में प्रोडक्ट टू लगा, प्रोडक्ट में v और x का, v का डेरिवेटिव मतलब प्रोडक्ट टू में v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v dv / dx। अब यहां से लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगा चेक करेंगे, लेफ्ट साइड में था dy / dx तो ये बना v plus x dv / dx is equal to 1 plus v y / x की जगह दिया गया, यहां v से v कैंसिल। अब ये फिर से फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन गया, कौन सी? वेरिएबल सेपरेट, तो यहां पे dx को ऊपर ले गए, ये बना dx और ये x नीचे चला गया अपॉन x और यहां पे बचा dv। अब यहां लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग, जैसे इंटीग्रेट किया ये बना dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx विद रिस्पेक्ट टू वी, वन की इंटीग्रेशन वी आर वी और वन अपॉन एक्स की लॉग एक्स, ये बना v इज इक्वल टू लॉग एक्स और प्लस सी, v की वैल्यू क्या आपके पास y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ये आंसर। एक और क्वेश्चन बता देता हूं इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सेकंड क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई, एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए सबसे पहले इस x वाली dx वाली टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे, हमें कौन सी फॉर्म में बनाना होता है इसे dy / dx में, तो ये बना नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव होगी जाके, और अब ये dy / dx इज इक्वल टू x प्लस वाई / x माइनस वाई, dx यहां फॉर्म में आ गया और x माइनस वाई यहां फॉर्म में चला। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दो या फिर इन दोनों से x कॉमन, तो ये बना dy / dx इज इक्वल टू x कॉमन, यहां पे बचा 1 प्लस y / x, डिनोमिनेटर से भी x कॉमन, यहां 1 माइनस y / x, x x कैंसिल। अब जो बचा उसे लिख देंगे dy / dx, dy / dx is equal to 1 plus
y upon x upon 1 minus y upon x and give equation 1. एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे आपने ये वैल्यू लिख दी उसके बाद आप लिखेंगे देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज में आएगा राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन इज इन द फॉर्म ऑफ y अपॉन x, क्योंकि इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड y अपॉन x की फॉर्म है। फिर जैसे आपने लिख दिया फिर आप पुट कर देंगे, पुट y अपॉन x इज इक्वल टू v, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू vx। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये लिख दिया मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में आया dy अपॉन dx और राइट साइड में आपका प्रोडक्ट टू लगा, जिसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसके बाद लिखेंगे आप देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम, क्या दी लेफ्ट साइड में वी प्लस एक्स डीबी अपॉन डीएक्स, क्योंकि लेफ्ट साइड में डीवाई अपॉन डीएक्स था और राइट साइड में आपके पास 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, क्योंकि राइट साइड में आपके पास था 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, वैल्यूज पुट कर। फिर यहां के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल वेक्टर बन जाता है, जिसमें v को मैं दूसरी साइड लेके गया 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी, तो ये बना x dv अपॉन dx इज इक्वल टू एलसीएम आ गया आपका 1 माइनस वी, ये बना 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 माइनस ओवी, ये वैल्यू आ गया। ओके नेक्स्ट स्टेप इसे सॉल्व करेंगे, ये बना x dv अपॉन dx इज इक्वल टू एलसीएम आपके पास था 1 माइनस वी 1 प्लस वी, 1 माइनस वी 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, वी से वी कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, उसे लिख दिया मैंने वी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि दोनों टर्म प्लस में थी और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लिया तो v जो है वो पॉजिटिव हो गया और 1 जो है वो नेगेटिव हो गया। अब लेफ्ट साइड में dv अपनी जगह, ये न्यूमिनेटर में आ गया 1 माइनस वी, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर प्लस 1 और राइट साइड में आपके पास dx ऊपर चला गया अपॉन में x यहां से और माइनस का साइड। अब वेरिएबल को सेपरेट कर दिया मैंने, जैसे वेरिएबल सेपरेट किए आप आगे लिखोगे नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन में आपके पास आया क्या रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी, इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस 1 नॉट 1 माइनस वी और वी स्क्वायर प्लस 1 डीवी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन x। इसके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ अलग कर देंगे, ये बना v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। यहां पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनेगा 2v, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड,
सेकंड v स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहां tan वाला फार्मूला और यहां log बन जाएगा, तो वैल्यू बनी 1/2 log ऑफ 1/2 log ऑफ v स्क्वायर प्लस 1, आगे माइनस 1/a tan इनवर्स v अपॉन a इज इक्वल टू माइनस log of x plus c, इंटीग्रेशन मैंने पहले बता दी थी इसलिए डायरेक्ट कर दिया इधर। अब v की वैल्यू पुट कर देंगे, ये करेगा 1/2 log of v की वैल्यू y, तो y अपॉन x होल स्क्वायर या y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, तो v की वैल्यू y अपॉन x है, माइनस tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल माइनस लॉग ऑफ x और प्लस c, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो साथ में लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन by using homogeneous differential equation, मतलब homogeneous differential equation से ये question दिया। Next is linear differential equation, next है linear differential equation। और linear differential equation में क्या आता है, एक question को dy upon dx की form में, मतलब dy upon dx plus py is equal to q, या फिर dx upon dy plus px is equal to q की फॉर्म में लिखा है, फिर उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के फॉर्मूला लगा के उसे इंटीग्रेट करना होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है x into dy upon dx plus 2y is equal to plus 2y is equal to x square into log x, ये आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हम इसे सॉल्व करेंगे बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आइडेंटिफाई के लिए आप पूरी इक्वेशन को देखेंगे, ये x में है, x में ये भी x में, y सिंबल है तो y की फॉर्म में, अगर x सिंबल होगा तो x की फॉर्म में लेंगे आपने इसे px या py, ठीक है, यहां py में चेंज करेंगे, बट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया, प्लस 2 अपॉन x इनटू y इज इक्वल टू x से डिवाइड किया तो x log x, ये वैल्यू आ गई, ओके x से डिवाइड करने पे ऐसा होगा। अब इसको कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विद कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी, dy अपॉन dx प्लस py is equal to q, here p is equal to 2 upon x and q is equal to x log x, जैसे आपके पास p और q की वैल्यू आ गई आपने इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आइए फॉर्मूला पे इसका e raise to power integration p dx, मतलब आपके पास वैल्यू आई e raise to power integration 2 upon x dx, ये बन गया e raise to power 2 integration 1 upon x dx, 2 constant है इसलिए बाहर ले लिया, मतलब वैल्यू आ गई e raise to power 2 log x, इसमें फॉर्मूला अप्लाई हुआ n log m, इसके इक्वल log m raise to power n, एक्सपोनेंशियल से log रहते में कैंसिल हो गया, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया x square। अब एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसे लिख रहा हूं मैं, we know that क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y
is equal to integration of integrating factor into q और साथ में dx. जो वैल्यू थी वो अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आया x स्क्वायर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर और क्या होगी वैल्यू थी x log x dx, ये वैल्यू अप्लाई करेंगे. अब इसे सॉल्व करो और आपका आंसर आ गया. तो ये बनेगा x स्क्वायर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब log x into dx. ये आई वेट यूज करेंगे, आई एल ए टी ई लॉगरिथमिक एलजेब्रिक. तो लॉगरिथमिक फर्स्ट आ गया और एलजेब्रिक सेकेंड आ गया. क्लियर? अब इसका आई बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे हम आई वेट यूज करके. तो ये वैल्यू रहेगी एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. सो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई और राइट साइड में बाई पार्ट्स यूज कर रहे हैं हम आई वेट. तो आई वेट में फर्स्ट फंक्शन था लॉग एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स रेस टू पावर फोर अपॉन फोर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज वन अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स रेस टू पावर फोर अपॉन फोर डी एक्स. यहां से पावर थ्री बची, ये बना एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर फोर अपॉन फोर लॉग एक्स माइनस वन अपॉन फोर बाहर और एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी. अब एक्स स्क्वायर से इन सभी को डिवाइड भी कर देंगे और सॉल्व भी कर देंगे. ये बना वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर फोर द सिक्सटीन प्लस सी और यही आपका जनरल सॉल्यूशन है विच इज अ रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर टू, सेकेंड क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन है इसी में डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सीकेंड x into y is equal to tan x और ये फॉर्म बनी है. देखो dy upon x plus py is equal to q. इसे डायरेक्ट आप कंपेयर कर दोगे. कंपेयरिंग में कंपेयरिंग विद क्या था dy upon dx plus py is equal to q. Here p is equal to secant x and q is equal to tan x. जैसे मैंने बोला p और q की वैल्यू आपके पास आ जाए आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. तो ये बना नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. फॉर्मूला क्या था e raise to power integration p dx that is equals to e raise to power integration secant x dx और secant x की इंटीग्रेशन होती है log of secant x plus tan x. एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा secant x plus tan x और जैसे ये वैल्यू आई आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. फॉर्मूला आपके पास वी नो दैट क्या फॉर्मूला था इंटीग्रेटिंग फैक्टर into y is equal to integration of integrating factor into q dx. तो integrating factor भी आया आपके पास secant x plus tan x into y is equal to integration of secant x plus tan x into आपके पास क्यू की वैल्यू थी tan x dx. ये आ गया. आप राइट साइड को सॉल्व करेंगे और आंसर लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे एज इट इज ही रहेगी secant x plus tan x into y is equal to integration of v to that integrating factor
into y is equal to integration of integrating factor into q dx. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपके पास आया secant x plus tan x into y is equal to integration of secant x plus tan x into tan x dx. इसको as it is, इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा. तो tan x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं secant x into tan x dx plus tan x into tan x tan square x. ये आंसर बना आपके पास tan x into y is equal to, ये बना secant x into tan x dx और प्लस tan का स्क्वायर में इंटीग्रेशन होता है, इसलिए आइडेंटिटी उसकी secant square theta minus 1 dx, क्योंकि tan square theta इसके इक्वल होता है secant square theta minus 1. अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे secant x plus tan x into y is equal to secant x into tan x की इंटीग्रेशन secant x plus secant square x की tan x और 1 की x plus c. ये आपका सॉल्यूशन आ गया which is a required general solution. General solution. ये आपका general solution आ गया. तो ये मैंने आपको तीनों टाइप्स करवा दी जिसमें मैंने सिर्फ general solution फाइंड की. एक क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन का करवाता हूं. ये क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का है और क्वेश्चन है cos ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए एक रियल नंबर है और साथ में f ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन. अगर जनरल बात करें हम तो यहां पे आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहां से ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, ठीक है. तो इसे मैं वाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करके बताऊंगा आपको कैसे आता है. तो ये बना डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए और उसके बाद वैल्यू आई डी वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू dx क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं. अब जैसे वेरिएबल सेपरेट किया इसे कर देंगे इंटीग्रेट. नाउ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कर दिया तो ये माना इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx. तो ये माना y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू x. अभी तक हम सिर्फ जनरल सॉल्यूशन पे पहुंचे तो ये लिखा विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और इसे कर देंगे इक्वेशन वन. क्यों? क्योंकि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और यहां से x की वैल्यू में पुट करेंगे जीरो और y की वैल्यू वन. तो नेक्स्ट स्टेप पुट x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन. ये बना वन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो है, जीरो इंटू समथिंग जीरो और प्लस c. तो c आपके पास आ गया वन और इसे फिर जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन वन. तो ये बना y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटू एक्स और प्लस वन. तो ये आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया जब सी की कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ जाती है. तो ये लिख दिया मैंने विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां से क्या पता चला कि जनरल सॉल्यूशन तक तो आपको क्वेश्चन करने करने हैं, चाहे वो वेरिएबल सेपरेबल के हो, चाहे वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के हो, चाहे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हो, उनको जनरल सॉल्यूशन तक आपने करने हैं. उसके बाद आपके पास एक कंडीशन दे रखी होगी जैसे कि ये दी है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू होगी, उन एक्स और वाई की वैल्यू को जनरल इक्वेशन में आपको पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आपके पास सी की वैल्यू आएगी और सी की वैल्यू दोबारा से जनरल इक्वेशन में पुट की तो आपके पास क्या बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन.
तो ये थी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके थैंक यू।